अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रोपेगेशन बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट प्लांट की और काफ़ी यूनिक लुक है इसका। पेंसिल कैक्टस इसका नाम है, अफ्रीकन मिल्क बुश भी कहते हैं और स्टिक्स ऑफ फायर भी कहते हैं। पेंसिल कैक्टस जब भी हम नाम सुनते हैं या कैक्टस का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि एक ऐसा प्लांट होगा जिसके कांटे होंगे और स्पाइंस वगैरह होंगे, लेकिन ये स्पाइनलेस है, इसके अंदर कोई कांटे वगैरह मौजूद नहीं है। इसकी जो ब्रांचेस आप देख सकते हैं ये पेंसिल की तरह होती हैं, थोड़ी सी लंबी होती हैं इस तरह से, और काफ़ी जो है वो इसका बेहतरीन प्लांट है, डिफरेंट लुक है इसका। बेसिकली ये सकुलेंट है और आउटडोर के लिए ये बेस्ट प्लांट है। आप इसको आउटडोर के अंदर रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, ड्राई टेम्परेचर के अंदर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। आप इसको पानी अगर ज़्यादा भी नहीं देंगे तो भी ये सर्वाइव करता रहता है। स्टिक्स ऑफ फायर इसीलिए कहा जाता है कि जब विंटर सीजन होता है तो इसके जो ऊपर से जो इसका ब्रांचेस का जो टॉप पोर्शन होता है वो येलो या ऑरेंज कलर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं अभी गर्मियां चल रही हैं तो इसीलिए ये पूरा का पूरा ग्रीन ही देखने को मिल रहा है। इसकी जो प्रोपेगेशन है वो बहुत आसानी से हम जो है वो कर सकते हैं, स्टेम कटिंग के जरिए जो है वो हम इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं और इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखने को तो ऐसे लगता है कि इसकी कहीं से भी रूट्स ग्रो नहीं होंगी, लेकिन जो इसकी बिल्कुल नीचे से आप जहाँ से इसकी कटिंग करते हैं, जो इसका बिल्कुल बॉटम एरिया होता है, वहाँ से इसकी जो है वो रूट्स ग्रो होना स्टार्ट होती हैं, जैसे जेड प्लांट की मैंने आपको दिखाई थी। तो बहुत ही आप आसानी से इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। मैं इसको वाटर प्रोपेगेट कर रहा हूँ क्योंकि वाटर के अंदर जो है वो सक्सेस रेट मुझे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसीलिए आप इसको जो है वो वाटर के अंदर जब प्रोपेगेट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से जो है वो इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी डिफरेंट काफ़ी सारी जो है वो यहाँ पर ब्रांचेस मौजूद हैं, तो मैं इनमें से कोई एक जो है वो हेल्दी और अच्छी जो है वो इस टाइम को सेलेक्ट करके उसकी मैं कटिंग करूँगा और उसको मैं जो है वो प्रोपेगेट करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको जो है वो कट लगाऊँगा और इसका जो है वो वाइट कलर का सैप निकल रहा है जैसे आप देख सकते हैं, इसीलिए इसको अफ्रीकन मिल्क बुश भी कहा जाता है। तो ये वाइट कलर का जो इसका जो सैप है उसका आपने ध्यान रखना है, आपको इसके आपके गले में ना चला जाए या आँखों में ना चला जाए। एज सच वैसे इतना पॉइजनस नहीं होता लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैं इसकी कटिंग कर चुका हूँ, नीचे से इसका जो है वो एक 45 के एंगल से मैंने इसका कट लगा दिया है और अब इसको जो है वो हम शिफ्ट कर देंगे पानी के अंदर। तो दो कटिंग मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, जैसे आप जितनी भी कटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो दो कटिंग मैंने कर दी है, अब इसको हम जो है वो रखेंगे शेड में, शेडी एरिया के अंदर रखेंगे। डायरेक्ट सनलाइट अभी इस प्रोपेगेशन वाली जो जो हमारी स्टेम्स हैं उनको हम शेड में रखेंगे और इस तरह से जो मेरे पास यहाँ पर ग्लास ट्यूब्स हैं इनके अंदर जो है वो मैंने पानी के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया है। तो इसको अभी हमने शेड के अंदर रखा हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट अभी इसको प्रोवाइड नहीं करनी, पूरी तरह से आपने इसको जो है वो पानी के अंदर रखना है। अगर पानी बहुत ज़्यादा हरा हो जाता है या बदबूदार हो जाता है तो आपने इसको चेंज कर देना है। पानी जैसे ही आपको गंदा लगता है आप उसको फ़ौरन चेंज कर दें। ये आप देख सकते हैं ये मैंने इसकी कटिंग लगाई थी कुछ अर्से पहले, तकरीबन हफ्ता दो हफ्ता हो गया इसको, और ऊपर से इसकी जो ये ग्रोथ आपको दिख रही है ये पहले नहीं थी, इसको वाटर के अंदर लगाने के बाद जो है वो इसकी ग्रोथ हुई है और यहाँ पर इसके जो ऊपर से न्यू ब्रांच निकल रही है और इसके ऊपर जो लीव्स हैं ये इसके पानी के अंदर लगाने के बाद ग्रो हुआ है। तो बहुत ही अभी इसकी रूट्स इतनी नहीं निकली लेकिन इसके ऊपर से ग्रोथ जो है वो बता रही है हमें कि ये प्रोपेगेशन हमारी कामयाब हो गई है और आप भी इसको इस तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो बहुत ईजिली इसको प्रोपेगेट किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।